हम कभी अपनी जिंदगी में दुख नहीं चाहते हैं, यही सोचते हैं कि बस हमारा टाइम सही चलता रहे, खुशियाँ आती रहे और कभी दुख ना आए हमारी जिंदगी में। लेकिन हम ये भूल जाते कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि हम मुश्किलों का सामना नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं मुश्किलों से, बस यही चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी जी की बारिश होती रहे और कोई बीमार पड़े ना हमारे यहाँ पे। लेकिन आप एक बात बताओ, हजारों करोड़ों सालों में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता दो मुझे कि जिसने दुख ना देखे हो। अगर जो अमीर बना है तो उससे पहले वो गरीब था। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए तो मैं बोलूँगा कि हे भगवान, जितनी भी मुश्किलें हैं ना वो तू मुझे दे, मैं डट के सामना करूँगा उन सारी मुश्किलों का, डर के बिल में नहीं घुसूंगा। हम लोग अक्सर मुश्किलों में टूट जाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये मुश्किल ही हमें निखारती हैं। तो शुक्रिया अदा करो उस भगवान का, बोलो उससे कि तुझे जितनी मुसीबत देनी ना दे, भागूंगा नहीं मैं। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी तरफ पूरे जी जान से कोशिश करते रहें, देखते हैं कि उसकी जिद ज़्यादा बढ़िया है या हमारी हिम्मत। भागने दो उसको, और जो लोग तुम पे हंसते हैं ना बॉस, हंसने दो उनको, जितना हंसना है उनको हंसने दो, पर तुम अपना लक्ष्य मत छोड़ो। देखना जिस दिन तुम अपना लक्ष्य पालोगे ना, उस दिन जो लोग तुम पे हंसते थे ना, सबसे पहले वही सलूट करेंगे तुम्हें। इसलिए कभी भी अपने मुंह से किसी को भी जवाब नहीं देना, तुम्हारा तब तुम्हारी मेहनत एक दिन सबको दिखाएगी। मेहनत इतनी करो कि मेहनत को भी कर वो कि तुमने उसे किया है, और जब तक ये लक्ष्य तुम्हें मिल नहीं जाता ना, चुपचाप मत बैठो। वही बचपन वाली बातें, जब तुम छोटे थे तो चलने के लिए ना जाने कितनी बार गिरे होगे और कितनी बार संभले भी होगे, फिर चले होगे। ठीक वैसे ही हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाना है। कितने भी रुकावटें आए जिंदगी में, कितनी भी उलझने आए, कितनी भी मुश्किलें आए, पर तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें गिरना है, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो, देखते हैं कि तुम्हें कामयाबी कब तक नहीं मिलेगी, कब तक वो ऊपर वाला तुम्हें अपने तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखता है। एक ना एक दिन वो लक्ष्य तुम्हें मिल ही जाएगा, और जिस दिन मिलेगा ना बॉस, उस दिन उसका मज़ा ही कुछ और होगा, दुनिया तमाशा देखेगी। इसलिए जब तक तुम्हें लक्ष्य नहीं मिल जाता ना, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें अपना जीवन संवारना, जो तुम्हारे पिताजी नहीं कर पाए ना वो तुम्हें करना है, उनका नाम रोशन करना है। याद रखो, अगर तुम ये अभी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए मेरे दोस्त, तो जिंदगी में तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लास्ट में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए प्यार तो मेरे भाई लक्ष्य मिलने के बाद भी किया जा सकता है, और मजा जब लक्ष्य मिल जाएगा ना उसमें प्यार करने का मजा ही कुछ अलग होगा। इसलिए अपने लक्ष्य से प्यार करो और उसको अचीव करो, और जो तुम्हें हंसते हैं ना मेरे भाई, अपने लक्ष्य उन्हें जवाब। वक्त सबका बदलता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे झुकाने वाले की। एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और सब तुम्हें पागल बोलेंगे, तो घबराना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि यही वो टाइम होगा जब सबसे तुमसे कुछ ही दूरी पर होगी और तुम
अपनी बाहें फैला के उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो। है तुमने कितनी मुश्किलें दी मुझे, लेकिन मैं हारा नहीं, झुका नहीं। अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बना, ये नहीं कि आए और चले गए कीड़े मकोड़ों की तरह। अगर जीना है तो एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसको पाओ। अपनी जिंदगी को एक मकसद दो। जो हंस रहा है हंसने दो, तुम्हारा वक्त अपने आप से जवाब दे। मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें।